तद उपरांत उन्होंने भाई लहना गुरु अंगद देव के सिर पर गुरियाई का छत्र रख दिया और वे भी परमेश्वर की स्तुति करके नाम अमृत का पान करते रहे। गुरु नानक जी ने प्रभु ज्ञान की खड़ंग रूपी मती अपने आत्म बल से लहना जी के हृदय में स्थापित कर दी। गुरु नानक देव जी ने जीते जी अपने शिष्य भाई लहना जी के आगे नमन किया और अपने जिंदा रहते समय उन्हें गुरियाई का तिलक लगा दिया। लहने दी फिर आइये नानका दो ही खटिए, जोत ओहा जुगत साई सहकाया फिर पलटिए। झुल्ले से छत निरंजनी मल तख्त बैठा गुर हटिए, करह जय गुर फरमाया सिल जोग अलूणी चटिए। लंगर चले गुर शब्द हर तोट न आवी खटिए, खर्चे दित खसम दी आप कहंदी खैर दबटिए। होवे सिफत खसम दी नूर अरसह कुर सह छटिए, तुद डीठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। सच जय गुर फरमाया क्यों इंदु बोले हटिए, पुत्र कौल ना पालियो कर पी रह कन्नह मुरटिए। दिल खोटे आंकी फिर है बन भार उचाई छटिए, जिन आखी सोई करे जिन कीती तिन्ने थटिए, कौन हारे किन उबटिए। गुरु नानक देव जी की श्रद्धा पूर्वक सेवा से जब भाई लहना जी को गुरु गद्दी प्राप्त हुई तो उनकी शोभा चारों दिशाओं में फैल गई। भाई लहना जी गुरु नानक देव जी वाली वही ज्योति थी और उनकी जीवन युक्ति भी वही है। मालिक प्रभु ने केवल उनका शरीर ही बदला है। भाई लहना जी के सिर पर सुंदर निरंजन का छत्र झूलता है और वे सिंहासन ग्रहण करके गुरु गद्दी पर विराजमान हो गए हैं। गुरु नानक जी ने उन्हें जो हुक्म किया है वे वही करते हैं और चाहे सत्य का मार्ग बड़ा दुर्गम है मगर उन्होंने उस पर ही चलने का निर्णय किया। संगत के लिए गुरु के शब्द द्वारा लंगर चलता रहता है परंतु उसमें कोई कमी नहीं आती। अपने मालिक की दी हुई नाम देन को वे अन्यों को भी वितरित करते हैं, स्वयं भी सेवन करते रहते हैं और याचकों को भरपूर भिक्षा दान देते रहते हैं। जिस वक्त गुरु अंगद देव जी के दरबार में ईश्वर का स्तुति गान किया जाता है उस वक्त वैकुंठ एवं देवलोक से भी नूर बरसता है। हे सच्चे पातशाह गुरु जी, तेरे दर्शन करके जन्म जन्मांतर की पापों की मैल भी कट जाती है। गुरु के शिष्य कहते रहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी को गुरियाई देने का सच्चा हुक्म किया है, अतः हम उस हुक्म की अवहेलना कैसे कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी के पुत्रों ने उनके हुक्म का पालन नहीं किया कि वे गुरु अंगद देव जी को अपना गुरु पीर माने, अपितु वे तो उनसे विमुख हो गए। खोटे दिलों वाले होने के कारण वे हुक्म मानने से विद्रोही होकर फिरते हैं और पापों का भार उठाकर घूमते रहते हैं। जिस गुरु नानक जी ने जो बात कही गुरु अंगद देव जी ने वही बात कर दी। गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक जी के हुक्म का पालन किया है इसलिए उन्हें गुरु स्थापित किया गया। देख लो हुक्म मानने की इस खेल में भाई लहना एवं गुरु पुत्रों में कौन बाजी हार गया है और कौन जीत गया है। जिन की तीसो मनना को साल जिवाहे साली, धर्म राई है देवता ले गल्ला करे दलाली। सतगुर आखे सच्चा करे सा बात होवे दरहाली, गुर अंगद दी दो ही फिरी सच करते बंद बहाली। नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा से डाली, दर सेवे उमत खड़ी मस्कले हुई जंगाली। दर दरवेश खसम दे
नाई सच्चे वाणी लाली बलवंड खीबी नेक जन जिस बहुत ही छाव परताली लंगर दौलत बंडिये रस अमृत खील घियाली गुर सिखा के मुख उजले मन मुख थिए पराली पय कबूल खसम नाल जा घाल मर्दी घाली माता खीबी सह सोई जिन गोई उठाली जिस भाई लहना ने हुक्म का पालन किया वही गुरु रूप में पूज्य हो गया। चावल और भूसी इन दोनों में कौन उत्तम है अर्थात भाई लहना एवं गुरु पुत्रों में कौन श्रेष्ठ है। धर्मराज रूपी देवता दोनों तरफ के गुण देखकर ही फैसला करता है। गुरु अंगद सर्वश्रेष्ठ है और अपने सेवकों की बातें सुनकर उन्हें प्रभु से मिलाने की मध्यस्थता करते हैं। सच्चा परमेश्वर वही करता है जो वचन सतगुरु अंगद देव जी कहते हैं और उनकी कही हुई बात तुरंत ही पूरी हो जाती है। गुरु अंगद देव जी की गुरु गद्दी की घोषणा हो गई तो सच्चे परमात्मा ने स्वयं ही गुरियाई की पुष्टि कर दी। गुरु नानक देव जी अपनी काया पलट कर स्वयं ही गुरु सिंहासन पर विराजमान हुए हैं और उनके सैकड़ों ही सिख हैं। गुरु अंगद देव जी की सिख संगत उनके द्वार पर खड़ी उनकी स्तुति करती रहती है और संगत का मन पापों से यूं पवित्र हो रहा है जैसे जंगाली हुई धात अपघर्षक से साफ हो जाती है। दरवेश गुरु अंगद देव जी को अपने मालिक गुरु नानक जी के द्वार से सत्य की देन प्राप्त हुई है और वाणी गाने से उनके मुंह पर लाली आ जाती है। बलवंड कहता है कि गुरु अंगद देव जी की पत्नी माता खीवी जी बहुत भली स्त्री हैं, जिनकी छांव पतराली की तरह घनी है अर्थात उनके पास बैठने से सबको बड़ा सुख एवं शांति मिलती है। माता जी की निगरानी में गुरु के लंगर में घृत युक्त खीर वितरित की जाती है जिसका स्वाद अमृत समान मीठा है। यहाँ गुरु के शिष्यों के मुख सदा उज्जवल रहते हैं किंतु मन मुख जल भुन गए हैं और उनकी कोई पूछ नहीं होती। गुरु अंगद देव जी ने जब शूर वीरों वाली साधना की तो ही वे अपने मालिक को स्वीकार हुए। माता खीवी जी के पति गुरु अंगद देव जी ऐसे शूरवीर हैं जिन्होंने सारी पृथ्वी का भार अपने सिर पर उठा लिया है। होरियो गंग बहाये दुनियाई आखे की क्योण नानक ईसर जगन्नाथ उच्च हदी बैण विरक क्योण मधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द ऋण कियो चौदह रतन निकालिये कर आवा गौण चिलकियो कुदरत अह बिखालिये जिन एवड़ पिंड ठेण कियो लहने धरियो छत्र सिर असमान कियाड़ा छिकियो जोत समाणी जोत महा आप आपे सेती मिकियो सिखा पुत्रा घोख के सब उमत वेख जय क्योण जासु धोसता लहना टिक्योण। दुनिया कहती है कि गुरु नानक देव जी ने भला यह क्या किया है। अपने सेवक भाई लहना को गुरु गद्दी देकर तो उन्होंने गंगा अन्य ही दिशा बहा दी है। जगन्नाथ ईश्वर रूप गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य को गुरु बनाकर बहुत ऊंची बात कर दी है। उन्होंने अपने ध्यान को विंध्याचल पर्वत रूपी मथनी और मन को वासुकी नाग रूपी रस्सी बनाकर शब्द रूपी क्षीर सागर का मंथन किया है जिससे 14 रतन रूपी सरीखे 14 गुण निकाल लिए हैं और इनके द्वारा जन्म मरण के चक्कर वाले जगत को चमकाल दिया है। गुरु नानक देव जी ने भाई लहना जी के शरीर को ठोक बजा कर देखा एवं उन्हें परख कर सिख संगत को
यह करिश्मा दिखा दिया है कि वही गुरुगद्दी का हकदार है।